अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ अलिमरान रज़ा और आप देख रहे हैं या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हर हाजत के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको इससे ज़रूर फजीलत और फ़ायदा हासिल हो। दीगर बढ़ने से पहले मैं छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा आपसे कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो चीज़ें विजुअल में वीडियो में आपको नहीं दिखाई देती हैं वो चीज़ें मेरी आवाज़ में आपको सुनाई देंगी, तो दोनों को साथ साथ देखना और सुनना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा वजीफ़ा आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई हाजत है, ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे किसी ख़ास शख्स से मोहब्बत करते हैं और उनके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं अपने लिए, निकाह के हलाल मकसद के लिए, या फिर रिस्क के लिए आप इंतज़ाम में लगे हैं, या नौकरी, तिजारत, दुकान, मकान, घरेलू मसाइल, तमाम हर तरह के दुनियावी मसाइल के हल के लिए, हाजत के पूरी होने के लिए ये आजमूदा और मुजरब वजीफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर असर दिखाएगा। पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए इस अमल को पूरा कीजिएगा। एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक कि वह किसी गुनाह या कतह रहमी की दुआ न करे और जल्दबाजी न करे। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, जल्दबाजी का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मतलब यह है कि यूं ख्याल कर बैठे कि मैं इतने अरसे से दुआ मांग रहा हूं और अब तक कबूल नहीं होती है, यहां तक कि मायूस होकर दुआ छोड़ दे, यहां तक कि मायूस होकर दुआ छोड़ दे। एक हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से जब दुआ मांगो तो इस हालत में मांगो कि तुम्हें इसके कबूल होने में कोई शक न हो। तो इस पूरे यकीदे के साथ अल्लाह से दुआ कीजिएगा और इस अमल को पढ़िएगा। इंशाल्लाह कई लोगों के मसाइल हल होते हैं, उनकी हाजत पूरी होती है। आप या अल्लाह वेबसाइट पर जाकर उनके टेस्टिमोनियल पढ़ें। अभी हाल ही में आज, कल और परसों कुछ दिनों में रोज़ाना टेस्टिमोनियल आ रहे हैं। लोगों की पसंद की शादियाँ तय हो गई हैं, शादी के लिए रिश्ते आ चुके हैं। पूरे परहेज़ के साथ और पंज वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खुश होगा और आपको अता फरमाएगा, आमीन। वजीफ़ा का तरीक़ाकार क्या है? आप चाश्त की नमाज की पाबंदी करना सीखें। चाश्त की नमाज सुबह के वक्त होती है, आप उस नमाज की पाबंदी करना सीखें। 5 मिनट लगती है उस नमाज को पढ़ने में। चाश्त की नमाज आप रोज़ाना पढ़ें। साथ साथ ये जो अमल इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा, इस वजीफ़ा को शुरू आप किसी भी रोज़ कर सकते हैं और वज़ू की हालत में रहते हुए आपको सबसे अव्वल 11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो आप 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें मुबारक या जलीलू या अजीजू या मुइज़ू, या जलीलू या अजीजू या मुइज़ू, ये इस्म मुबारक आपको 450 मरतबा पढ़ना है, 450 टाइम्स। उसके बाद आखिर में फिर से आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, यानी अव्वल आखिर आपको इस इस्म मुबारक के 11-11 मरतबा 11-11 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़नी है। और उसके बाद आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने मकसद की दुआ करेंगे, तो जैसा हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरी उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। इस अमल की मियाद है 21 रोज़, 21 डेज इज़ द टाइम लिमिट ऑफ दिस वजीफ़ा। रिसाइट दुरूद शरीफ 11-11 टाइम्स इन द स्टार्टिंग एंड इन द एंड एंड दिस इस्म शरीफ 450 टाइम्स। उम्मीद करूंगा ये वजीफ़ा का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक्स मिले और आपका सपोर्ट मिले। दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए अलिमरान रज़ा को। वआखिरु दुआ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।